वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रियल किंग ऑफिशियल। हम डिस्कस करेंगे आज का ग्रुप एफ का पहला मैच जो खेला जाएगा स्कॉटलैंड और पोर्टुगल के बीच। ठीक है, तो स्कॉटलैंड एक काफ़ी हेवी टीम है, आप देखोगे क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कहाँ खेला जाएगा ये? कार्टामा ओवल में खेला जाएगा। यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप का ग्रुप एफ का पहला मैच आज खेला जाएगा शाम को 3 बजे। ठीक है, कार्टामा ओवल पे। इसमें वीडियो में हम कवर करेंगे प्लेयर स्टैट्स, रिसेंट फॉर्म क्या रहा है, डेथ में स्ट्राइकर में कौन बॉलिंग कर तो आपको दिख सकता है, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, जीएलएसएल की पिक, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारा टेलीग्राम चैनल रियल किंग ऑफिशियल, जाके ज्वाइन कर लो। क्या होता है कि ईसीएन की लाइनअप होती है ना, वो बहुत अनप्रेडिक्टेड होती है, तो फाइनल टीम है ना वो आपको यहीं दी जाएगी। जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ फर्स्ट कमेंट में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो आप, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। कहीं से भी जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कार्टामा ओवल की। देखो एक सुंदर सा वेन्यू है, कितना सुंदर है, बैकग्राउंड में देख सकते हो आप, यहाँ देख सकते हो कितना सुंदर वेन्यू ये कार्टामा ओवल है, यहाँ पे खेला जाएगा। देखो ये एशियन के सबसे अच्छे ग्राउंड्स में से एक है, तभी यहाँ चैंपियनशिप हो रहा है। ये कोई मतलब एशियन के नॉर्मल जो ग्राउंड होते हैं ना वैसा नहीं है, अच्छा ग्राउंड है, अच्छा स्कोर भी देखने को मिलता है, 120 से 40 एवरेज रहता है यहाँ पे, हाईएस्ट 220 जो रिसेंटली ही देखने को मिला था एक दो दिन पहले ही। यहाँ पे टोटल 473 T10 के मैच हो चुके हैं, 228 बेट फर्स्ट ने वन किया, 240 बेट सेकंड ने वन किया है। ठीक है, तो एवरेज स्कोर आपको बता दिया है 120 से 140। रिसेंट मैच की बात करें, रोमानिया और माल्टा यहाँ खेले थे, रोमानिया 124 पे 5, माल्टा 95 पे 3, साइप्रस और स्विट्जरलैंड भी खेले, 94 पे 6 साइप्रस ने और स्विट्जरलैंड ने 95 पे 2। देख सकते हो आप, अच्छा स्कोर बनता है जब अच्छे प्लेयर खड़े हो जाते हैं, तो अच्छा स्कोर बनता है। यहाँ आपको यहाँ स्कॉटलैंड पहले बेट करेगी ना, तो 150 प्लस स्कोर देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात स्ट्रॉन्ग टीम पहले बैटिंग करेगी, ज़्यादा स्कोर ऑब्वियसली दिखेगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में ऐसे प्लेयर हैं जहाँ जो T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, क्लब के लिए क्या किया, एशियन के लिए क्या किया, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बने रहना एंड तक हमारे साथ। स्कॉटलैंड का डिस्कस करें तो स्कॉटलैंड की बात करते हैं मिशेल इंग्लिश की। मिशेल इंग्लिश बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं क्लब के लिए, और रिसेंट में देखेंगे 4-34-72-4-1 टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देख सकते हैं। ईसीएल में 9 मैच में 104 रन, कुछ खास किया नहीं है, पर क्लब में 31 मैच में 1431 रन 37 विकेट। भाई ये क्लब में जो नीदरलैंड का डोमेस्टिक हो रहा था, एक स्कॉटलैंड कप करके ऐसा कुछ है, उसमें इन्होंने 31 मैच में 1431 रन 37 विकेट बनाए हैं। कैलम गार्डन 1-7-46-10-41 ठीक ठाक चलते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ये ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे 23 मैच में 334 रन बनाए। अब क्या करता है, जैसे इंग्लैंड 11 है, स्कॉटलैंड 11 है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करती है गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। आज ये ओपन करेगा तो कल ये ओपन करेगा तो परसों ये ओपन करेगा, ऐसी चीज़ करती रहती है। तो ये लाइनअप और सब कुछ देखने का, सब कुछ इस मैच में क्या हो सकता है, टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहो। 28 मैच में 380 रन क्लब के लिए बनाए, खास नहीं मानूंगा मैं कोई ज़्यादा इनको। केस सजद की बात करें, 50-6-7 DNB 5, 18 मैच में 10 विकेट, 12 ओवर किए हैं, 12 ही ओवर में 10 विकेट लेकर बॉलिंग करने आएंगे तो विकेट ले जाएंगे 204 रन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, बैटिंग बॉलिंग किधर से तो पॉइंट दे ही देंगे, टीम कितनी एक्सपेरिमेंट करे। 31 मैच में 20 विकेट 6-6-1 रन बनाया, 661 रन बनाया। लियाम की बात करें, 0-6-19-14-33 रिसेंट है, 17 मैच में 291 रन बनाए हैं ईसीएन के लिए, और क्लब के लिए 31 मैच में 784 रन 23 विकेट। पर ईसीएन में इन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की है, बॉलिंग की थी 2-4 ओवर, ज़्यादा बॉलिंग नहीं की है। ठीक है, तो बॉलिंग करते हुए दिख भी सकते हैं, और मेरे को नहीं लग रहा दिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट करेगी तो एक आधा ओवर कर सकते हैं, 2-3 विकेट भी लेके जा सकते हैं। तो जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो लियाम को। ओली हरिस भाई क्या बंदा है, 20 मैच में 392 रन 1 विकेट T20 इंटरनेशनल के लिए, रिसेंट देखो 127 रन बना के आ रहे हैं भाई, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात चॉइस है, अगर स्कॉटलैंड पहले बैट करती है तो 29 मैच में 1163 रन, 1200 रन बना रखे हैं, 30 मैच में 40+ का एवरेज चल रहा है इनका। देखो 21 विकेट भी लिए हैं, पर यहाँ शायद बॉलिंग करते हुए आपको ना दिखे ज़्यादा। तैमूर 8-10-20-6-5 41 मैच में 904 रन 25 विकेट, ठीक ठाक प्लेयर हैं। सी मैकब्राइड की बात करें, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है ये भी। 32-28-0-0 विकेट 29-0 विकेट 0 विकेट। ओडीआई खेले 18 मैच 386 रन बनाया 3 विकेट स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल, 13 मैच 372 रन 6 विकेट भी लिया है इन्होंने क्लब के लिए। जेको गार्थ की बात करें, जो बॉलर खेलेंगे 27 मैच में 41 विकेट क्लब के लिए, 23 मैच में 24 विकेट एशियन के लिए।
00201 स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करने लग जाए ना भाई, स्कॉटलैंड पहले बॉलिंग करे तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, आपको पूरे दो ओवर करते हुए दिख जाएंगे। जो बॉलिंग ज़्यादा करेगा ना वो ज़्यादा से पिक लग रहा है, कितने भी एक्सपेरिमेंट करे। अब ये सब क्या है, अंडर 19 के प्लेयर हैं, अंडर 19 के प्लेयर हैं ये सब के सब लगभग ठीक है। इन्होंने क्या किया है क्लब में और यहाँ रिसेंट क्या चल रहा है, एक विकेट DNB एक विकेट 29 मैच में 58 विकेट, भाई क्या प्लेयर खेल रहा है ठीक है, 280 रन भी बनाया है। सीपीट की बात करें 29-0 विकेट 9-2 विकेट 0-1 विकेट 0-1 विकेट 10-0 विकेट 23 मैच में 22 विकेट। रॉबर्टसन की बात करें 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 23 मैच में 29 विकेट 277 रन। जोन्स की बात करें, जोन्स अच्छे प्लेयर हैं, डेफिनेटली टीम में लेकर चलना है, 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, अब रन भी बनाया है 3, 40, 63, 30, 4। एक प्रॉपर ऑलराउंडर मिलेंगे आपको जोन्स में, कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस रहेगी, बाकी जो उनका ऑर्डर क्या रहेगा वो देखना ही पड़ेगा, तो आपको इतना श्योर मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि फाइनल लाइनअप तो आने के बाद ही हो पाएगा क्या होता है। ओवन क्लाउड की बात करें, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, 29 मैच में 463 रन रिसेंट ठीक ठाक है, 20-25 रन बना रहे हैं। जेमी डंक की बात करें 96 एक विकेट 52, 87, 8, ये भी अंडर 19 के प्लेयर आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए या ओपन करते हुए दिख सकते हैं, बॉलिंग ज़्यादा नहीं करते हैं बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे ठीक है। कैप अब यहाँ से मैं ओवर की बात करूँ तो पीट आपको पूरा ओवर करते हुए दिख जाएंगे, जोन्स दिख सकते हैं पूरा ओवर करते हुए, ये भी दो दो ओवर कर सकते हैं। बात करते हैं पुर्तगाल की, पुर्तगाल अच्छी टीम है पर स्कॉटलैंड के आगे हल्की टीम पड़ेगी थोड़ी। अजहर अंडानी ओपन करेंगे, 8-1 विकेट 20-2 विकेट 21-3 विकेट 3-2 विकेट 39 रन, 75 मैच में 24 विकेट 1487 रन, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कई बार क्या करते हैं इनको नीचे भेजने लग जाती है टीम। जुनेद खान कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है, 4-0 विकेट 27-3 विकेट 10-0 विकेट 26-0 विकेट और 0 विकेट, 99 मैच में 754 रन 195 ओवर 83 विकेट, पूरी बॉलिंग कर रहे हैं पूरी बैटिंग आ रही है इनकी ठीक है, आर बाय बैटिंग आ रही है, रन जैसे भी बनाए बैटिंग भी आ रही है बॉलिंग भी कर रहे हैं, अच्छी पिक है। अमनदीप सिंह 0-1 विकेट 27-3 विकेट 0 विकेट 6-40, 71 मैच में 39 रन 81 ओवर किया है, पर यहाँ मेरे को लग नहीं रहा बॉलिंग करते हुए ये आपको दिखेंगे अमनदीप सिंह, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉलर हैं ठीक है। राणा शारवर अच्छी पिक है, अच्छी पिक है और जीएल पिक तो है ही है, 28-0 विकेट 19-0 विकेट 17-0 विकेट 0-1 विकेट, आज के मैच में अगर ये हल्की पड़ जाए टीम तो भले ही, ये प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगा आगे के मैचेस में। 51 मैच 29 विकेट 853 रन, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देते हुए दिखेंगे, बॉलिंग थोड़ी कम करते हैं ये तो उनका थोड़ा इशू रहेगा। नजम सजाद बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये भी, 45-1-0 विकेट 57-2-1 विकेट 12-1 विकेट, आप रिसेंट में देख सकते हो उन्होंने कई मैच में बॉलिंग नहीं की, पर यहाँ आज आपको पूरी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, दो ओवर करेंगे ये पूरे ठीक है। 79 मैच में 121 ओवर 56 विकेट 1535 रन, प्रॉपर ऑलराउंडर है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको। निपो एज ए बॉलर खेलेंगे, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 64 मैच में 124 ओवर 66 विकेट, अच्छे विकेट टेकर बॉलर हैं ये, पर करते क्या हैं आज 4 ले गए कल 0-0 फिर आए 3 विकेट ले गए फिर 0-0 ऐसे इनका निपो का चलता है, मैंने कई बार एशियन में ये चीज़ नोटिस कर ली है, तो ये इस टाइप के प्लेयर हैं, जिस दिन करेंगे बड़ा करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन वाला ही। स्टोमन की बात करें 0-0-0-1-0 विकेट 60 मैच में 24 विकेट 792 रन, कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस है नहीं इस मैच में, बहुत सारे लोगों ने इनको ले रखा है, मेरे को ये कोई ऐसी चॉइस लग नहीं रहे हैं स्टोमन। सैयद मैजम अच्छे प्लेयर हैं, एज ए ऑलराउंडर मिलेंगे आपको खेलते हुए, 82 मैच में 815 रन 137 और 65 विकेट, रिसेंट में देखें तो 1-1-1-0 विकेट लिया है, 5 मैच में 4 विकेट लेके गए हैं, पर ये एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे, मिडल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, नजम सजाद के आसपास ही, उनसे एक वन टू डाउन ही, और हो सकता है कई बार टीम ने इनसे ओपन भी करवाया है सैयद मैजम से, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने लायक है। तो आप टेलीग्राम पे डाल फॉलो कर लो, वहाँ पे सारी मैं बता दूंगा कौन टॉप ऑर्डर में आ रहा है क्या आ रहा है, डाटा आपके पास अभी है ही, आप स्क्रीनशॉट ले लो लिख लो कुछ भी कर लो। कुलदीप गोलिया 5 DNB 0 DNB 12, 78 मैच में 1518 रन 1 ओवर 0 विकेट, बॉलिंग नहीं करेंगे विकेट कीपिंग ऑप्शन में पड़े हैं ठीक है। अब इनके सामने स्कॉटलैंड के हैं ग्रीन, तो मेरे को ग्रीन ज़्यादा ग्रांट वो ज़्यादा बेटर चॉइस लग रहे हैं कुलदीप से, पर कुलदीप की रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी थी एशियन में, अभी ये देख रहे हो इससे ये तो चलो थोड़ा कम है, इससे पहले इनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी, ये अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं कुलदीप गोलिया, ये याद रखना, जीएल में इनको ट्राई करना। सुमन गिमिरे की बात करें 7-2 विकेट 0 विकेट 28-1 विकेट 5-0 विकेट 15, 71 मैच में 23 विकेट लिया 41 ओवर करके 1446 रन बनाया है, पर यहाँ पे इनको बॉलिंग नहीं मिलेगी, ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे ये, कोई आगे कर दे तो इस मैच में यहाँ बॉलिंग करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अब्दुल समाद की बात करें 0-0-0-4 विकेट
13 मैच में 10 विकेट लिया है। मचाड़ो की बात करें भाई, ये ओपन करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ये 5-10 मैच खेले थे एशियन के, 23 मैच में 432 रन, 8 ओवर करके 4 विकेट, 5-10 मैच से इन्हें सीधा इंटरनेशनल डेब्यू मिल गया था इनको। ये इंटरनेशनल भी खेल के आ चुके हैं 7-8 मैच, ठीक है। ये जो रिसेंट देख रहे हो आप, ये इंटरनेशनल का है लगभग प्लेयर्स का, पोर्तुगल का ये रिसेंट इंटरनेशनल का है, तो आपको लगेगा भी घोलिया अच्छी फॉर्म में नहीं है, घोलिया बहुत अच्छी फॉर्म में है, कुलदीप घोलिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छी फॉर्म में है एशियन के लिए, ठीक है। बात करें ओवर्स की, तो ओवर कौन करके दे सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, सैयद मैजम 2-1 या 2 ओवर कर देंगे, अब्दुल समाद 1 या 2, मचाड़ो भी ओवर कर सकते हैं 1-2, अंदानी 1 ओवर कर सकते हैं, जुनेद पूरे 2 ओवर करेंगे, राणा सर्वर 1-2 ओवर कर सकते हैं, नजम पूरे 2 ओवर करेंगे, निप्पो पूरे 2 ओवर करेंगे, ठीक है। तो इनमें 1-2 ऐसा कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, पर यही प्लेयर हैं जो ओवर करेंगे, अंडानी वगैरह आपको, अजहर अंडानी वगैरह आप रिसेंट में देख रहे हो बॉलिंग करें, मेरे को नहीं लग रहा यहां आपको ज़्यादा बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ये इंटरनेशनल के हैं, वहां इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, जैक होगार्थ, ओली हरीश, अम इंग्लिश, अम जोन्स, मैं तो बोलूँगा स्कॉटलैंड से ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, पहले बैटिंग करे तो बैट्समैन को, पहले बॉलिंग करे तो बॉलर्स को या ऑलराउंडर्स को, मिक्स करके इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। अगर फिर भी आप चाहो सामने वाली टीम पोर्तुगल से ट्राई करना, तो नजम सजाद और जुनेद खान को ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, वो भी जीएल में। असल में आप स्कॉटलैंड के फेवर में जाना, मैंने एक टीम बना के रखी है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल रियल किंग ऑफिशियल पे आएगी। अभी के लिए मैंने गार्डन को लिया है, कुलदीप खोलिया मैं बोल रहा हूँ, वो भी यहीं पे हैं, मिलेंगे आपको विकेट कीपिंग ऑप्शन में, उनको ले सकते हो आप किसी, इन प्लेयर को नजम को, जुनैद को, यहाँ से कोई ड्रॉप करके गार्डन को ड्रॉप नहीं करना है। ओली हैरिस, अम इंग्लिस, अंदानी, मैकब्राइड, जुनैद खान, जोन्स, सजद, पीट और होगार्थ को मैंने अभी फिलहाल लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो मैं अभी कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के बाद ही बता सकता हूँ, फिलहाल मैं जोन्स और इंग्लिश को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहूँगा, बाकी टॉस्ट पे डिपेंड करेगा। तो फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम पे आ जाएगी, जाकर जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू गाइज़।